हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इशिका विलोंग पे। आज हम बनाएं, आप हरी सब्जियां खा करके परेशान हो चुके होंगे गर्मियों में, आज हम बनाएंगे कुछ दही से ठंडा ठंडा बिल्कुल रायता बूंदी का, बहुत ही मसालेदार और चटपटा, जिसे खा करके आप सारी सब्जियों का टेस्ट भूल जाएंगे और शादियों में पार्टियों में खाने वाले रायते का भी टेस्ट भूल जाएंगे। इसीलिए अब आप एक बार हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हमारी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, जो कि बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रायता बनाया है। घर पे बनाया मसाला और फिर हमने बनाया है रायता और हमने इसमें लगाया है जीरे और हींग से तड़का, जो कि हमारे रायते को बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बना देता है। ये सारी ट्रिक जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने एक चम्मच साबुत धनिया ले लिया है, एक चम्मच जीरा, से 10 काली मिर्ची, 4 लौंग और 1 चम्मच सौंफ। इनको सभी चीजों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करेंगे। हल्का सा इनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही अच्छी महक भी आ रही है मसालों के अंदर से। और इन्हें हमें तवे पे भूनना है बिना तेल डाले। अब हम गैस बंद कर देते हैं, हमारा मसाले भून चुके हैं। अब हमने मसालों को भून लिया है और इसको ना तिवारी के ऊपर हमने निकाल लिया। अब हम इसको थोड़ा सा आराम आराम से इस तरीके से इसको पीस लेंगे, क्योंकि ये भी गरम गरम है, थोड़ी हमने तवे पे सेंक लिए तो बहुत ही आसानी से पिस भी जाएगी। बिल्कुल आराम आराम से पीस लेंगे। ये देखिए, हमें इसी तरीके से पीस लेना है। अभी ये थोड़ा सा पिसा है, इसको और बारीक कर लेंगे। ये देखिए, हमने ये पीस करके तैयार कर लिया। इस तरीके से हम इसको पीस लेंगे। अब हम इसको आटे वाली छन्नी में डाल करके छान लेते हैं। ये देखिए, जो कि ये मोटा मोटा बचा है, तो इसको हम दोबारा फिर से पीस लेंगे। हमने मसाला तैयार कर लिया है। अब हमने लिया है 1 कटोरी दही। इसको हम पहले इस तरीके से भिगो देंगे दही की हेल्प से। ये देखिए, हमारा दही अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं बर्तन में। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास लस्सी। और अब हम ऐड करेंगे बूंदी। और अब इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब ये डाल देंगे हम जो बूंदी में रायते के साथ मसाला निकला था। अब हम ये मसाला डाल देते हैं। और अब हम ये ऐड कर देंगे जो मसाला हमने घर पे तैयार किया था रायते के लिए, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्ची। मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा।
गरम मसाला, आधा चम्मच नमक, वो आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और अब इन सभी चीजों कर देते हैं मिक्स। ये देखिए, अब हम इसमें ये डाल देंगे आइस, जिससे कि हमारी लस्सी और दही हमारे खाना खाते टाइम तक बिल्कुल ही ठंडी रहेगी। ये देखिए, इस डाल करके हम इसको रख देते हैं। अब हमने ये दो हरी मिर्च ली हैं और ये थोड़ा सा धनिया ले लिया है। अब हम इसको थोड़ा कूट लेंगे, इसमें बारीक कर लेंगे बिल्कुल कूट करके। ये देखिए, हमने धनिया और हरी मिर्च पीस करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि हमारा ये सारा मसाला अच्छे तरीके से, अब हम इसको चम्मच से बाहर निकाल लेते हैं और हमारे रायते में ऐड कर देंगे। और इन सभी चीजों कर देते हैं मिक्स अच्छे तरीके से। अब हम इसमें लगाएंगे हींग का तड़का, जिसके लिए हम गैस ऑन करते हैं। इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच तेल, और इसको अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे कटोरी को। और अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा जीरा एक चुटकी और ये हींग। अब ये देखिए, तेल अच्छे तरीके गर्म हो गया और इसमें आग भी पकड़ ली है। अब हम लगा देते हैं तड़का। ये देखिए, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे रायते के अंदर। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा चटपटा और टेस्टी रायता, बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुका है।